बुंदेलखंड की उपकाशी रत्नगर्भा हटा नगरी ने एक नहीं बल्कि अनेक प्रतिभाओं को उभारा है। इनमें से एक नाम है दीपाली, जो चूल्हा चौका बेटी बहू माँ बहन सारे रिश्ते नाते को अपनाते हुए मन में ऊंची उड़ान का सपना लेकर कुरीतियों की दहलीज को लांघती हुई ऐसी उड़ान भरती नजर आई कि आज समूचे भारत में हटा नगर उपकाशी का नाम रोशन कर रही है। प्रतिभा ऐसी निखरी कि जिसने एक नहीं कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त शिक्षिका माधुरी श्रीवास्तव की ज्येष्ठ पुत्री दीपाली की प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा हटा नगर में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे हटा से ताल्लुक रखने वाली दीपाली का शुरू से ही कला और संस्कृति से खास लगाव रहा। छोटी जगह में रहने के बावजूद उसने ख्वाब हमेशा बड़े बुने और उसके लिए उनका हौसला बने उनके वकील पिता। दीपाली ने फिजिक्स में एमएससी और एमसीए करने के बाद कुछ समय एनआईटी में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर काम किया। फिर शादी के बाद बच्चों की परवरिश के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। जिंदगी में कुछ अलग और क्रिएटिव करने की चाह रखने वाली दीपाली ने घर और परिवार की जिम्मेदारी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और एक गृहिणी के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया। लेकिन कला और संस्कृति का शौक अब भी जेहन में जिंदा था, लिहाजा कुछ नया करने की चाहत और रंगों से प्रेम ने उन्हें कथकली मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दीपाली सिन्हा ने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का जब फैसला लिया उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। उम्र के इस पड़ाव पर लीक से हटकर अपने कैरियर के साथ इतना जोखिम लेने का जज्बा कम ही देखने को मिलता है। रंगों की समझ और कला से लगाव और अपनी मेहनत और लगन के बूते दीपाली ने उत्तर भारत की पहली कथकली मेकअप आर्टिस्ट होने का गौरव हासिल किया। दीपाली ने दक्षिण भारतीय अंदाज में मेकअप सीखने का फैसला लिया और साल 2011 में दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर कथकली ज्वाइन किया। दीपाली ने 2 साल तक मेकअप आर्टिस्ट का काम सीखा। दुनिया भर में मशहूर केरल का कथकली नृत्य 300 साल पुराना है। कथकली में कलाकार के आंखों के हाव भाव जितनी अहम भूमिका निभाते हैं उतना ही अहम रोल मेकअप का भी होता है। इसके लिए खास मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें चुट्टी कारण कहा जाता है। इस कला में मेकअप चेहरे और चरित्र को बदलने में अपना जादू असर डालता है। मेकअप आर्टिस्ट दीपाली सिन्हा बताती हैं कि कथकली मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है। मेकअप में वो जादू है जो चरित्र के हिसाब से कलाकार का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। नृत्य के हर एक किरदार को तैयार करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कथकली मेकअप के लिए दीपाली रंग भी खुद अपने घर में ही बनाती हैं। उन्हें इंटरनेशनल सेंटर फॉर कथकली की ओर से सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट के सम्मान से नवाजा गया। इसके पहले 2015 में उन्हें उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ चुट्टी आर्टिस्ट का खिताब मिला। दीपाली को ब्रजभूमि फाउंडेशन द्वारा देश की सबसे प्रभावशील 51 महिलाओं में भी चुना गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाली दीपाली का प्रकृति से भी खासा लगाव है। पिछले कई सालों से उन्होंने पर्यावरण को बचाने और जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने एक संस्था वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग सोसाइटी बनाई है, जिसका मकसद देश में प्लास्टिक वेस्ट के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और निजात पाने के तरीकों को लोगों तक पहुँचाना है। सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय काम और व्यापी कचरा प्रबंधन के कार्य के लिए दीपाली सिन्हा को कालिंदी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली सिन्हा है और हम हटई की बिन्ना है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं लोगों के कारण हूँ। हटा की बात आते ही यादों का एक रोशनदान खुल जाता है। बहुत सारी यादें हैं इस जगह की। बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और जो भी विकास है वो यहीं रहकर हुआ। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले जाना और शादी के बाद दिल्ली में बस जाना। दिल्ली में कंप्यूटर इंजीनियर की तरह काम कर रही थी। इसके बाद मैंने साउथ की एक कला कथकली को अपनाया और उसके मेकअप में निपुणता हासिल की और उसका डांस भी सीखा। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी समाज के लिए काम कर रही हूँ और जागरूकता अभियान हटा में भी हमने अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान किया था। लास्ट ईयर पिपरिया गांव में भी एक पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता अभियान किया था। तो इस तरह से
पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे अभियान हैं, जैसे थैला बैंक, बर्तन बैंक जो चल रहे हैं। साथ ही साथ इस संस्था से युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है जो अपनी पॉकेट मनी को बचा के और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी बात कि हमारी इस संस्था में हटा की बहुत सारी महिलाएं हैं जो बराबर सहयोग दे रही हैं। तो ये एक बहुत गर्व की बात है और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मेरे इस सफर में हटा की मिट्टी की संस्कृति और सभ्यता का जो योगदान है रहा है वो बहुत अनमोल है।